नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। खराब मौसम की वजह से टला प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा। विदेश मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी। नेहरू काल को बेहतर बनाने के विचार से निकलना होगा बाहर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, शुरुआती वर्षों में विदेश नीति बस नेहरूवादी विचारधारा का बुलबुला। असम के मूल निवासियों पर सीए का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वानंद सोनोवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा। नोएडा कोर्ट में भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ हाथापाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नोटिस जारी कर मांगा जवाब। महाराष्ट्र में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके। 10 मिनट में दो बार हिली धरती। कई जिलों में महसूस किए गए झटके। देशों के ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर भारत, लगातार सातवीं बार शीर्ष पर रहा फिनलैंड। रोहिंग्या मुस्लिम पर केंद्र सरकार का एससी में जवाब। हल्फनामे में कहा, इनके रहने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव। आतंकी संगठन आईएसआईएस का भारत प्रमुख अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। बांग्लादेश से सीमा पार कर असम पहुंचे थे दोनों आतंकी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 21 राज्यों में 19 अप्रैल को होगा मतदान। चयन समिति में न्यायिक सदस्य की मौजूदगी से नहीं आती चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। अन्नाद्रमुक और डीएमके डीके के बीच हुआ डील फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बनी बात। पुतिन और जेलेंस्की को भरोसा कि मोदी पर बनेंगे पीएम। दोनों राष्ट्रपतियों ने चुनाव के बाद आने का दिया न्योता। वेज और नॉन वेज डिलीवरी बॉय के लिए अलग ड्रेस नहीं। जोमेटो के सीईओ बोले, अलग ड्रेस से हो सकता है भेदभाव। सभी लाल टी शर्ट पहनेंगे। सीजेआई बोले, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा नहीं। हम आम नागरिकों के लिए हमेशा मौजूद। अदालतें न्याय देने के लिए बनाई गई। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई। दिमाग के एक हिस्से में सूजन और ब्लड क्लॉटिंग थी। डॉक्टर बोले, ये जान लेना साबित हो सकता है। आगरा में लोकसभा चुनाव को लेकर ट्रैफिक पुलिस की पहल। ट्रैफिक पुलिस करेगी इन्फोर्समेंट टीम का गठन। रैलियों से लेकर शहर में होने वाले ट्रैफिक को टीम करेगी मैनेज। अमरोहा में सांसद दानिश अली ने थामा कांग्रेस दामन। बसपा से निष्कासित थे सांसद दानिश अली। पार्टी गतिविधियों से नाराज थी बसपा सुप्रीमो। यूपी में कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों के नाम तय। वाराणसी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नाम की चर्चा। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय होंगे प्रत्याशी। इटावा में एसएसपी के आदेश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान।